भारत से पहले चीन में हुई थी लॉन्च, देती है 400 किमी का माइलेज, अब हो रही है भारतीय बाजार में लॉन्च, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी किया मोटर जल्दी अपनी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए दोस्तों भारतीय बाजार से पहले इस कार को चीन के मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। बताना चाहूंगा कि दोस्तों किया सेल्टोस को मिली जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए कंपनी ने इसके कॉम्पैक्ट एसयूवी इलेक्ट्रिक अवतार को उतारने का मन बना लिया था। आपको बता दें कि कई मौकों पर किया सेल्टोस इलेक्ट्रिक को टेस्टिंग के दौरान भी भारत में देखा जा चुका है, मगर हालातों को देखते हुए दोस्तों इस कार को चीन में पहले ही अब लॉन्च किया जा चुका है। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस कार की लॉन्चिंग भारतीय बाजार में जुलाई के महीने के स्टार्टिंग वीक में ही कर दी जाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इसी साल 2020 में किया सेल्टोस को जुलाई के महीने के स्टार्टिंग में लॉन्च कर सकती है। जानकारी के मुताबिक हुंडई कोना की तरह ही किया सेल्टोस ईवी में भी आपको 64kWh की बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जो कि आपको दोस्तों अधिकतम 204 bsp की पावर जनरेट कर पाने में जबरदस्त क्षमता रखेगा। इसके साथ ही अगर सिंगल चार्ज पे रेंज की बात करें तो दोस्तों ये कार आपको कंप्लीट 400 किमी लीटर का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है। दोस्तों बात करते हैं कीमत की, तो एक आम आदमी के हिसाब से ये उनके लिए एक बेस्ट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, क्योंकि दोस्तों किया ने अपने मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए इस कार की कीमत को कम रखने का फैसला भी कर लिया है। स्टार्टिंग कीमत दोस्तों भारतीय बाजार में मात्र 4.60 लाख रुपीज से होने वाली है। अगर टॉप वेरियंट की बात करी जाए तो दोस्तों 7.70 लाख रुपीज तक वो जाने वाला है। भारतीय बाजार में दोस्तों किया अपनी इस इलेक्ट्रिक ईवी को 3 वेरियंट में हम सभी के लिए उतारेगी, जिसमें आपको नॉर्मल और एक मिड और एक स्टैंडर्ड वेरिएंट शामिल होगा। तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।